नमस्ते, आप सभी योग साधकों का स्वागत करता हूँ योग दर्शन की व्याख्यान वाला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे कैवल्यपाद के 25वें सूत्र की, जिसमें मुख्य रूप से विवेक ख्याति द्वारा जो जैसा है उत्सुकता है स्वयं के बारे में जानने की, उसकी निवृत्ति कैसे होती है उसको जानने का प्रयास 25वें सूत्र में करेंगे। सूत्र है विशेष दर्शन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। ये सूत्र है, इसने कहा विशेष माने जो विशिष्ट है या जो खास तरह का जो है दर्शन यानी कि ज्ञान, जो विशेष तरह का ज्ञान है जिसको हम विवेक ख्याति बोलते हैं, उसको यहाँ पे विशेष ज्ञान की संज्ञा दी गई है। उससे कहा आत्मभाव भावना, आत्म माने स्वयं के विषय में, भाव माने अपने विषय में, भावना मतलब अपने विषय में जानने की इच्छा की उत्सुकता, या कहें कि अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें हम जानना चाहते हैं। तो आत्मभाव भावना यानी कि स्वयं के बारे में जानने की जो जिज्ञासा है या उत्सुकता है, वो विनिवृत्ति वो समाप्त हो जाती है। हर व्यक्ति के मन में ये रहता है कि मैं कौन था, मैं कौन हूँ, मैं क्या होऊंगा, और मेरे काम क्या है, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। इन चीज़ों को जानने की स्वाभाविक प्रवृत्ति व्यक्ति की रहती है कि ये जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, क्या है ये कर्म, क्या है संस्कार, क्या है वासना, क्या अनेकों चीज़ें व्यक्ति जानना चाहता है। लेकिन धीरे धीरे जब योगाभ्यास करता है तो वो जब उसका चित्त के जो क्लेश हैं वो निर्बल हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उसको सारी चीज़ें पता चलती हैं, और इस अभ्यास से जैसे कैवल्य के नज़दीक पहुँचने से उसको इन सब चीज़ों की का पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है। तो पुरुषार्थ चतुष्टय के विषय में जानने लगता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ही इस जीवन का अंतिम जो पड़ाव है वो मोक्ष है। तो ये जो जानकारी होती है वो होती है विशेष दर्शन यानी कि विशेष प्रकार के ज्ञान से, जहाँ की विशेष प्रकार का ज्ञान यानी कि विवेक ख्याति के द्वारा हमें अपने बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तो उसके बारे में अपने विषय में जानना शेष नहीं रहता है, अपने विषय में जानने की उत्सुकता नहीं रहती, क्यूरियोसिटी नहीं रहती कि मुझे जानना है, क्योंकि हम ऑलरेडी जान चुके हैं। और विवेक ख्याति के द्वारा ही ये पॉसिबल है कि हम अपने विषय में जान चुके हैं। तो अपने विषय में जब जान जाता है तो जिज्ञासा की निवृत्ति हो जाती है, उत्सुकता समाप्त हो जाती है। इसीलिए कहा विशेष दर्शन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति, माने विशेष दर्शन यानी कि विशेष प्रकार के ज्ञान से, यानी कि विवेक ख्याति को विशेष प्रकार का ज्ञान यहाँ कहा है। अपने विवेक ख्याति के द्वारा ही व्यक्ति अपने विषय में जो उत्सुकता होती है जानने की, उसकी निवृत्ति हो जाती है, माने अपने विषय में जान चुका, उसको जानने का कुछ शेष नहीं बचा है। नहीं तो व्यक्ति यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो चुका होता है कि मैं क्या हूँ और आत्मा क्या है, शरीर क्या है, पंच महाभूत क्या है, मन क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, बुद्धि क्या है, महत्व क्या है, आपका प्रकृति क्या है, तत्व क्या है, सत्व रजतम गुण क्या है, इन सब के विषय में जान लेना ही विवेक ख्याति है। विवेक ख्याति के द्वारा ही हम चीज़ों को जान पाते हैं, और विवेक ख्याति ही हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराती है, उसकी जानकारी कराती है। तो इस सूत्र में कहा कि विवेक ख्याति के द्वारा ही हमें उस विशेष प्रकार के ज्ञान के द्वारा ही हमें ये जो उत्सुकता होती है उनकी निवृत्ति हो जाती है, अपने विषय में जानने का जो भाव है वो समाप्त हो जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट सूत्र में क्या कहा है उसको लेकर के जल्द आपके सामने उपस्थित होऊंगा, उसमें और विशेष बात विवेक ख्याति के संबंध में बताई है। आप जुड़े रहें, बने रहें। इस व्याख्यान को यदि सुनना चाहते हैं, सुना है और इसको पढ़ना भी चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर के आप इसको पढ़ भी सकते हैं। अनेक उदाहरण वहां पे मैंने दिए होंगे, उन उदाहरणों का लाभ लेकर भी आप इसको और आसानी से समझने में आपको आसानी रहेगी। ये मेरा आपको सुझाव है सभी को। तो स्वाध्याय सानिध्य जारी रखें, जल्द ही योग दर्शन को कंप्लीट करेंगे, फिर किसी अन्य ग्रंथ को भी हम प्रस्तुत करेंगे। तो आज 25वां सूत्र है, जल्दी जल्दी 26, 27, 28 ऐसे करके 34 जो सूत्र हैं, तो आज के बाद हमारे केवल 9 सूत्र बचेंगे। तो अपना प्रेम दिखाते रहिए, योग परिवार बहुत बड़ा हो रहा है, जब तक योग दर्शन कंप्लीट होगा 9000 हमारे सदस्य हो चुके होंगे, ऐसी मुझे एक्सपेक्टेशन है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप सबका प्रेम निरंतर बना रहे, अपने सुझाव और मुझे जो आपके प्रश्न हैं वो मुझे देते रहिए, और जल्द ही मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ 26वें सूत्र के साथ। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।